चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेमेडी बालों की, जिससे कि आप अपने बालों को काला भी कर सकते हैं और बालों की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी खाली बर्तन ले लेना है और इसमें ऐड करना है आपको 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। तो कोई भी चाय पत्ती जो भी आप यूज करते हो घर में उसको ले लीजिए। एंड इसके साथ आपको 1 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना यानी कि फेनोग्रिक सीड्स भी लेना है। अब इन दोनों को आपको अच्छे से बॉयल करना है ताकि इन दोनों के एक्सट्रैक्ट्स जो है वो पानी में आ जाए। तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है चाय पत्ती। चाय पत्ती जिसमें कि निकोटेनिक एंड कैफीन दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपके बालों की चमक तो बढ़ाते हैं, साथ में बालों को काला भी बनाते हैं और बालों में मेलानिन पिगमेंट को प्रचुर मात्रा में बढ़ाते भी हैं, जिसकी वजह से आपके जो आने वाले बाल होते हैं वो भी यहाँ पे जड़ से सफेद ना आकर के काले आते हैं। ये आपके बालों की लंबाई को भी बढ़ाते हैं। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। मेथी दाना हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाता है, गंजेपन की समस्या को दूर करता है, बालों को काला करता है और बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी लुक भी क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके बॉयल करना है ताकि इन दोनों के ही बेनिफिट्स इस पानी में आ जाएं। को इस पानी को बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है, यानी कि पानी की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कम नहीं करना है, बस आपको 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से बॉयल करना है एंड इसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। लगातार कंटिन्यूसली हमारा यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मेथी दाना जो है वो फूल के बड़ी भी हो गई है, यानी कि ये पकने भी लग गई है। बस आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, इसे थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या हमें ऐड करना है और हमें इसे कैसे अप्लाई करना है अपने हेयर पे। मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेन करके अगेन से उसी बर्तन में निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो मेथी और चाय पत्ती का जो ये बचा हुआ है एक्स्ट्रा, यानी कि जो बीज ये बचे हुए हैं, इसे आपको फेंकना नहीं है। आप इसे चाहें तो अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं स्किन वाइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, या फिर आप इसे अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे अच्छा सा पेस्ट बनाइए एंड इसे बालों में अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है शैम्पू। तो शैम्पू आप कोई भी लीजिए एंड शैम्पू की मात्रा आपको बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, यानी कि जितना शैम्पू आप नॉर्मली यूज करते हैं अपने बालों के लिए उतना ही शैम्पू आपको इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे लॉरियल का शैम्पू यूज कर रही हूँ। आप जो भी यूज करते हो अपने हेयर के लिए उसे आप यहाँ पे कम से कम 1 से आधा चम्मच आपको शैम्पू ऐड करना है। डेढ़ चम्मच शैम्पू ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्का गुनगुना पानी रहे तभी शैम्पू ऐड करेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला कर लेना है। इसके बाद जैसे आप शैम्पू को डाइल्यूट करते हैं मग में मिक्स करते हैं उसके बाद बालों में अप्लाई करते हैं, सेम इसके साथ भी ऐसा ही करना है। आप चाहें तो किसी भी खाली बॉटल में, जैसे कि इस तरह की स्प्रे बॉटल में आप इसे रख सकते हैं और इसके बाद अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें रख करके अगर बच जाता है आपका ये शैम्पू तो आप इसको अगेन से दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे बाहर भी रख सकते हैं जैसे आप शैम्पू रखते हैं। आपको इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, जैसे कि आप हेयर वॉश करते दौरान करते हैं, अपने बालों की अच्छे से स्कैल्प की मसाज करते हैं देन वॉश कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे करना है। आपको इस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में इसे बना करके 2 बार के लिए रख भी सकते हैं।
इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपके बाल काले भी होंगे और बाल बहुत हेल्दी होंगे। बालों में मिलने वाले जो भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इसके द्वारा आपके बालों में प्रचुर मात्रा में पहुँचते रहेंगे। बालों में सबसे ज़रूरी जो हमारा मेलानिन होता है, वो तो इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पहुँचेगा, बिकॉज हमने इसमें मेथी और चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। चाय पत्ती एक तरीके से आपके बालों में चढ़ने वाले कलर को रिस्टोर भी करती है और बिल्कुल आपके बालों से जाने नहीं देती, यानी कि जब आप वॉश करते हैं तो बालों से काला काला नहीं निकलता है। नॉर्मल जैसे आप हेयर वॉश करते हैं उसी तरीके से बालों से पानी निकलता है। सो आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू हेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।